मैं लोग आप लोगों को फिर एक नए लाइव ऑप्शन में लेकर आऊँ, और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा, जो भी मैंने पीछे वीडियो बनाया था एक दिन पहले, उसी का लाइव ऑप्शन में लेके आया हूँ। तो ऑप्शन स्टार्ट करने, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है इस ऑप्शन में पार्ट लेने का। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस ऑप्शन में आने से पहले आप लोगों को MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहाँ से आपको ID पासवर्ड मिलता है और एक कार्ड जनरेट होता है। वो कार्ड दिखा के आप लोग यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। बाद में ID पासवर्ड के थ्रू ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं। तो बिना वेट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस बारी लाइव ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और क्या क्या काम की चीज़ें और क्या आपके काम की चीज़ होने वाली। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे BMW, जिसका मैंने थंबनेल भी लगाया था। ये 2004 से BMW पड़ी है, कन्वर्टेबल BMW का मॉडल है आपका Z3। हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो इसीलिए ये नहीं बिक रहा है, 2004 से पड़ा हुआ है। अगर आप इसको ले भी लेंगे तो किसी काम की नहीं होने वाली, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव में हम इंडिया में ड्राइव नहीं कर सकते इसको। सेकेंड हैंड किसी ने इम्पोर्ट की होगी, सेकेंड हैंड कोई भी गुड्स आप इंडिया में इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये गाड़ी रुकी होगी। तो ये BMW का ये गाड़ी, ये कंटेनर था, BMW ऑप्शन में आई हुई है। और अगर कोई खरीदना है कि किसी को पार्ट्स वगैरह चाहिए, इसको डिसमेंटल करके पार्ट्स यूज़ कर सकता है। बाकी तो मेरे को लगता है किसी और भी कुछ काम आने वाली है। आगे आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ आई हुई है। तो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है स्टील वायर, जो कि आप लोगों को पता है कि जिम वगैरह में यूज होता है चीज़ों को बांधने के लिए। वो जिम में जो स्टील वायर्स यूज होते हैं, ये वो चीज़ है। ये रैग्स है आपका, जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, ये वो चीज़ है। इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? काली गत्ते हैं। हाँ, ये एम्प्टी कार्टन का आया हुआ है। ये आपका मार्बल ब्लॉक है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मार्बल ब्लॉक है। इसके बाद ये शूज का कंटेनर है, अच्छे कंडीशन में था ये पूरा शूज। तो इस बार ये वाले जूते हैं, और इस बार ये थोड़े अच्छे हैं, इनकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। हाँ, 2018 का था, मैंने बताया था शायद आप लोगों को पिछले वाले इन्फॉर्मेशन में, 2018 में कंटेनर। इस वजह से ये पूरा इसका इसकी जो हालत है वो ठीक है। ये डब्बे वगैरह ये क्वालिटी भी सही है इसकी। जूते वाले बंदे बहुत कम करते हैं। ये शूज का है सारा। देखो सामने से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आज की डेट में। तो ये देखो, ये ई रिक्शा वाला पूरा कंटेनर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। ले जाना है, जोड़ना है बस इसको, पूरा भरा हुआ है। इसके टायर्स भी पड़े हैं, मतलब पूरा स्किडी कंडीशन में, ले जाके बस जोड़ो और बेच दो। ये इसका टायर देखो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, नहीं हवा नहीं है। ये कंटेनर है 40 फीट का, कंडीशन में था। ये CKD वाले हैं, ये CKD वाला है, अच्छा वो ये वो हिंजेस वाला कंटेनर है आपका। ये भी जो हार्डवेयर वगैरह का काम करते हैं उनके बहुत काम आने वाली है। तो ये कंटेनर की कंडीशन अच्छी, 40 फीट का कंटेनर है, आपको दिख रहा है सारा इंजस। दोस्तों इधर वाले सारे कंटेनर आपके उसी के हैं, ई रिक्शा के। आपको एक एक करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ई रिक्शा का जो अपर बॉडी है ये वो है, ई रिक्शा की बॉडी है ये। ये कंप्लीट नॉकडाउन में ई रिक्शा, ये CKD वाला है, ये एक्सल पेपर। इसमें क्या है? ये तो व्हील्स लग रहे हैं, व्हील है ना? हाँ भाई, ये है ना, किसके व्हील है? कार के। कार के नहीं है भाई, कार के है ना, लोहे के बिगड़े हैं। हाँ तो लोहे के, पर अलॉय अलॉय के होते हैं गाड़ी के, अलॉय नहीं है, लोहा है। तो रेलवे वेलवे का लग रहा है कुछ पार्ट मेरे को।
ये आपका चिमनी का कंटेनर है दोस्तों, ये चिमनी है इसके अंदर सारी की सारी। चिमनी की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में चिमनी है, बिल्कुल नया जैसा है। इससे पहले भी आया हुआ था, क्या पता ये वो है कि नया कंटेनर आया हुआ है। तो ये इसके अंदर सारी की सारी चिमनीज है। ये आपका DTH और केबल वगैरह में यूज होने वाला जो केबल होता है ना, ये वो चीज़ है। पूरा कंटेनर है, देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में है। तो केबल वगैरह का जो काम करते हैं, ये काफ़ी उनके काम आने वाली चीज़ है। तो 40 फिट का कंटेनर है ये। यूज क्लोथ्स, अगेन यूज क्लोथ के कंटेनर आते रहते हैं, पुराने पुराने कंटेनर काफ़ी पड़े हुए हैं यूज क्लोथ के। तो ये यूज क्लोथ है सारा, देखिए यूज क्लोथ ही यूज क्लोथ्स दिख रहा है यहाँ पे। रेक्स कहते हैं इनको, तो रेक्स के कंटेनर काफ़ी हैं, काफ़ी इनको रिसाइकल करके यूज़ किया जाता है, तो उनके बहुत ज़्यादा काम आता है ये। ये एक लकड़ी का कंटेनर था, तो लकड़ी का जो लोग काम करते हैं उनके भी ये काफ़ी काम आ सकता है, जो लकड़ी के मैन्युफैक्चरर वगैरह हैं। ये पेपर रोल का कंटेनर है आपका, पेपर रोल भी काफ़ी काम आने वाली चीज़ों में से है। पेपर्स के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैं हमारे दिल्ली में भी, ये उनके भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं चीज़ें। देखिए ये रैक्स का एक और कंटेनर है। रैक्स के कंटेनर हमेशा ही ऑप्शन में आते हैं। रैक्स के अलावा जो आपका, देखिए ये सारे कंटेनर्स आपके ऑप्शन के लिए ही हैं। कुछ खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं, जिनको देखना है वो खोल के देख सकते हैं। तो ये सारे रैक्स के हैं मोस्टली। देखिए ये भी रैक्स है, ये नहीं, ये शूज़ का कंटेनर था। इसकी कंडीशन बट उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इसको सामने से नहीं दिखाया था। इसकी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये सारे कंटेनर्स हैं ऑप्शन के लिए। ऑप्शन के लिए एक अलग से एरिया डिसाइड किया जाता है, वहाँ पे सारे कंटेनर ऑप्शन के होते हैं। ये वो चप्पलों का कंटेनर मैंने आप लोगों को इससे पहले भी शायद एक बार दिखाया था ये कंटेनर, वही दोबारा दोबारा बिडिंग हुई नहीं है, इसका एंट्रेंस वैल्यू टच नहीं हुआ, तो ये निकला नहीं है, दोबारा आया है। तो ये आपके चप्पल हैं सारे। ये कंटेनर नंबर है। इसके अलावा ये वही कांच का कंटेनर, बाउल्स वगैरह का, ग्लासवेयर्स का, ये ग्लासवेयर का कंटेनर है, आपको इससे पहले भी दिखाया था मैंने। कंटेनर नंबर आप लोगों को मिट चुका है, बाहर का तो दिख नहीं रहा, अंदर होगा ग्लासवेयर का जो भी है। ये देखिए ग्लास का आइटम है। अच्छा ये नोकिया का मोबाइल कवर है दोस्तों, अगर किसी के पास नोकिया का बहुत सारा स्टॉक पड़ा है आज की डेट में तो वो लेके जा सकता है इसको। ये देखो ये नोकिया का मोबाइल कवर है, इसकी तरफ तो मैं एक पीस ले भी जाता हूँ, मेरे पड़ा हुआ है ये आपको दिख रहा है। ये देखो ये नोकिया का है आपका मोबाइल कवर, पूरा कंटेनर इसी का है। मेरे को लगा था कि नए वाले स्मार्टफोन्स का कवर होगा बट नहीं। दोस्तों ये वो BMW वाली गाड़ी जो मैंने बताया था, सेकंड हैंड किसी ने इंपोर्ट करी थी, सेकंड हैंड इंडिया का कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल है, इसका इंटीरियर देखो, ये किसी ने यूज किया हुआ है, साफ पता लग रहा है कितनी पुरानी गाड़ी है, इसकी सीडी वीडी भी पड़ी हुई है अंदर। तो इंडिया में आप कुछ भी सेकंड हैंड इंपोर्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, कुछ भी गाड़ियां तो खासकर नहीं कर सकते आप लोग। मतलब सेकंड हैंड वो जो घर का सामान होता है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, बट ये गाड़ी वगैरह ये सब सारी चीजें बैगेज के साथ आ जाती है, गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ नहीं आती, और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड की इंडिया में तो वैसे ही नहीं चलेंगी, कुछ मतलब नहीं बनता इसको लेने का। ये देखो इसके इंटीरियर की हालत आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों ये था आज का पूरा ऑप्शन। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई थी मोटा मोटा कि क्या चीज़ इस बार आई हुई है यूजफुल। सबसे ज़्यादा आपको वो देख ही लिया कि वो जो आपके ई रिक्शा के पार्ट हैं वो आए हुए हैं, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन चाहिए। मैंने जो आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था ARI का कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है ई रिक्शा को, अगर आपको बोली लगानी है। तो ये पूरा का पूरा इस बार का लाइव ऑप्शन था, और ख़त्म करूंगा मैं फैब्रिक के साथ। ये फैब्रिक का कंटेनर आया हुआ है, तो फैब्रिक वाला कंटेनर काफ़ी काम की चीज़ होती है, हाई वैल्यू जाती है इसकी बिडिंग। तो ये फैब्रिक के कंटेनर है, मिक्स फैब्रिक है इसके अंदर अलग अलग तरह के, मेरे को जहाँ देख पाना फैब्रिक का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं, काफ़ी टाइम हो गया फैब्रिक इम्पोर्ट किए हुए भी। तो ये था
आज का ऑप्शन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। एटलीस्ट हार्ट और लाइक तो मैं दे ही दूंगा, अगर गलत होगा नहीं जाऊँगा तो मैं डिसलाइक कर दूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा इस चैनल पे हम और भी बिजनेसेस वीडियोस लेके आते हैं, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अराउंड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम इस चैनल पे वीडियो बनाते हैं। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और प्लस हम संडे को एक पॉडकास्ट करते हैं, रात को 9 बजे एक नया एपिसोड आता है उस पॉडकास्ट का, जिसमें मैं अच्छे अच्छे फाउंडर्स को लाने की कोशिश करता हूँ और उनके साथ एक वन टू वन टॉक करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से आपको अपनी कंपनी खोलनी है अगर फ्यूचर में आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो भी काफ़ी काम की चीज़ है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले ऑप्शन में, तब तक थैंक यू।